यूक्रेन को अमेरिकी मदद मिलने से बौखलाए रूस को अब कुछ सूझ नहीं रहा है। इसके लिए वो भी नए नए और चौंकाने वाले फैसले ले रहा है और यूक्रेन के मददगारों पर तरह तरह के आरोप लगा रहा है और उन्हें धमका रहा है। कुछ समय पहले ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन के एक करीबी ने पोलैंड की राजधानी को रूस का हिस्सा बता दिया था और उसे हर हाल में वापस रूस में मिलाने का दावा किया था। अब वही पोलैंड रूस के लिए मुसीबत बन गया है। पोलैंड के उपरक्षा मंत्री सेजरी टॉमजिक ने दावा किया कि यूक्रेन को रूस में लंबी दूरी के लक्ष्यों को मारने के लिए पश्चिमी हथियारों का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मंत्री ने कहा कि यूक्रेन रूस के खिलाफ पोलैंड द्वारा दिए गए हथियारों सहित पश्चिमी हथियारों का उपयोग करता है तो पोलैंड को कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने ये भी अपील की कि अन्य पश्चिमी देशों को भी यूक्रेन को दिए गए हथियारों के उपयोग पर लगे प्रतिबंध हटा देना चाहिए। उनका ये बयान ऐसे समय आया है जब यूक्रेन के पश्चिमी समर्थक इस बात पर बहस कर रहे हैं कि उनके द्वारा दिए गए लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों का उपयोग रूस पर हमला करने के लिए किया जा सकता है या नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि पश्चिमी हथियारों के इस तरह के उपयोग के लिए यूक्रेन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। वहीं अन्य लोग, खास तौर से अमेरिका ने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध को बढ़ने से रोकने के लिए प्रतिबंध जरूरी है। सिर्फ पोलैंड ही नहीं बल्कि लातविया के राष्ट्रपति रिकेविक्स ने भी प्रतिबंध हटाने पर सहमति जताई और कहा कि यूक्रेन को रूस के खिलाफ लंबी दूरी वाले हथियारों का उपयोग करने की अनुमति न देने का कोई व्यवहारिक कारण नहीं है। ऐसा लगता है कि यूक्रेन से प्रतिबंध हटने से रूस को भारी मुश्किल हो सकती है। यही वजह है कि रूस यूक्रेन द्वारा लंबी दूरी वाले पश्चिमी हथियारों के इस्तेमाल की कड़ी निंदा कर रहा है। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने तर्क दिया कि नेटो के महासचिव स्टोल्टेनबर्ग ने प्रतिबंध हटाने की अपील करके अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया है। रूस का यह भी कहना है कि यूक्रेन के नेटो समर्थकों को पता होना चाहिए कि रूस के खिलाफ पश्चिमी हथियारों के उपयोग से युद्ध गंभीर रूप से बढ़ सकता है, इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हालांकि कुछ नेटो सदस्यों ने रूस से और अधिक हमले के आह्वान की निंदा की है। इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने स्टोल्टेनबर्ग से ऐसे बयानों से सावधान रहने का आग्रह किया है। इधर इटली के उप प्रधानमंत्री माटेओ साल्विनी ने भी कहा कि नेटो हमें रूस में हत्या करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि इटली यूक्रेन को सिर्फ अपनी रक्षा के लिए हथियार दे रहा है, न कि अपने क्षेत्र से बाहर लड़ने, हमला करने और मारने के लिए। रूस की तरफ से पश्चिमी हथियारों को लेकर जिस तरह से एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, उनसे साफ पता चलता है कि इन हथियारों से रूस को खतरे का अंदाजा है, क्योंकि अभी तक जब यूक्रेन के पास हथियार नहीं थे तब तक रूस की तरफ से हमले रोकने का कोई प्रयास नहीं दिखा, बल्कि मौका देखकर उसने रूस में हमले बढ़ा दिए थे और यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा करने में लगा रहा। लेकिन अब बदलते हालात के मुताबिक रूस रणनीति के साथ साथ कूटनीति का भी सहारा ले रहा है।